देश की जनसंख्या के 60% नागरिकों को जोड़ने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ की ओर से ओबीसी जोड़ो अभियान शुरू किया गया है। इस बारे में अधिक जानकारी लिए हमारी संवाददाता क्षितिजा देशमुख इन्होंने, आइए देखते हैं। ओबीसी समुदाय के लोगों को राष्ट्रीय ओबीसी संघ की ओर से बीते 6 साल से जागरूक करने का काम कर रहे हैं। इस दौरान बताया गया कि राष्ट्रीय ओबीसी संघ के प्रयास से महाज्योति नामक संस्था पिछले साल से शुरू की गई है, जो ओबीसी के छात्रों के लिए शुरू की गई है, जिसमें गरीब बच्चों को निःशुल्क लाभ दिया जाएगा। ओबीसी महासंघ द्वारा ओबीसी जोड़ो अभियान शुरू किया गया है, इसके बारे में हम जानेंगे। हमारे साथ है बबन राव जी तिवाड़ी सर, उनसे सर क्या बताओगे, ओबीसी जोड़ो जो अभियान शुरू किया गया है, ये प्रभाव वाइज लिया जा रहा है, इसके पीछे की मंशा या उद्देश्य क्या? ये देखिए कि इस देश में आज 60% ओबीसी है, जो हमारे गांव में, खेड़े में, शहर में, ऐसी बस्ती में रहता, लेकिन आज भी हमारे ओबीसी समाज के जो लोग हैं वो जात के बाहर नहीं निकले हैं। लेकिन ये देश जो संविधान से चलता है, उस संविधान में जात को इम्पोर्टेंस नहीं है, जात की कैटेगरी जो बनाई है, जैसा कि इस ओबीसी संवर्ग में इस देश में 3,743 जातियाँ हैं, और हमारे महाराष्ट्र का अगर हमने उदाहरण लिए तो करीबन 400 जातियाँ इस ओबीसी कैटेगरी में आती हैं। हमको जो भी कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के हिसाब से सुविधा मिलनी चाहिए वो ओबीसी करके मिलती है, जात करके नहीं मिलती। और इसीलिए राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ पिछले 6 साल से देश के कोने कोने में जाकर जो ओबीसी समुदाय में लोग आते हैं उन लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं और उनको हमारे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के साथ जुड़ने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, क्या बताओगे जो महाज्योति संस्था है उसका कितना लाभ जो है ओबीसी छात्रों को हुआ है, कितनी सुविधा जो है महाज्योति द्वारा दी जाती है उन छात्रों को मिली है, क्या बताओगे इस बारे में? ये देखिए कि राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के प्रयास से पिछले साल से महाज्योति नामक ये जो संस्था, ये सिर्फ ओबीसी बच्चों के लिए बनाई गई हुई है। उसमें पहला प्रोग्राम महाज्योति के माध्यम से हमने जो लिया था कि हमारे जो गरीब घर के, रूरल के 10वीं क्लास बच्चे पास हो जाते हैं और जिन्हें JEE नीट की एग्ज़ाम देनी होती है, इंजीनियरिंग बनना है, मेडिकल में जाना है, आज प्राइवेट में अगर कोचिंग लेने जाए तो जिसकी फीस 2.5 लाख से 3 लाख रुपये बच्चों को देना पड़ता है, वो हमारा गरीब आदमी नहीं दे सकता। इसलिए पिछले साल से हमने फ्री ऑफ कॉस्ट 2 साल का ट्रेनिंग, उसको हम लैपटॉप भी देंगे, उसको किताबें भी देंगे फ्री में पढ़ाई करने के लिए, और 2 साल कंटिन्यू उनको पढ़ाते हैं हम लोग ताकि वो एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम में पास हो। पिछला साल पहला साल था, 3,000 बच्चों ने इसका बेनिफिट लिया जिनके क्लासेस अभी चल रहे हैं। इस साल अभी जो लड़के 10वीं क्लास पास हो गए हैं उनका रजिस्ट्रेशन 15 सितंबर तक लोगों को करना है। तो आपके माध्यम से मैं सभी ओबीसी समाज के महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों से आह्वान करता हूँ कि जिनके बच्चे इस साल 10वीं पास हो गए, जिन्होंने 11वीं में एडमिशन लिए, ऐसे बच्चे ये 2 साल के प्रशिक्षण के लिए हमारे यहाँ 15 सितंबर तक रजिस्टर कर सकते हैं, उनको 2 साल हम फ्री कोचिंग देंगे। अभी UPSC MPSC का 1,000 बच्चों को UPSC का ट्रेनिंग देने जा रहे हैं हम लोग, 2,000 बच्चों को MPSC का ट्रेनिंग देने जा रहे हैं, 40,000 बच्चों को स्किल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, 200 बच्चों को CA बनाने वाले हैं, 100 बच्चों को CS बनाने वाले हैं, 20 बच्चों को पायलट बनाने वाले हैं। इस तरह से ढेर सारी योजनाएं हम लोग महाज्योति के माध्यम से इस ओबीसी क्लास के बच्चों के लिए ला रहे हैं। दुख की बात यह है कि पिछले साल हम लोग 10,000 बच्चों को ट्रेनिंग देंगे ऐसा सोचा था, लेकिन 3,000 बच्चों ने अप्लाई किया था। तो ये जो हमारा जनजागरण चल रहा है कि हमारे लोगों को मालूम हो, जो 400 जातियाँ ओबीसी में आती, कि हम ओबीसी है और हमारे बच्चों के लिए गवर्नमेंट की कुछ योजनाएं हैं जिसका लाभ हमने लेना चाहिए। जैसा कि 1ली से 10वीं तक जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं उनको स्कॉलरशिप दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन हमारे लोगों को मालूम नहीं कि हम ओबीसी है और करके वो फॉर्म ही नहीं भरते। तो जो सरकारी योजनाएं हैं उसका बेनिफिट भी हमारे लोगों ने लेना चाहिए, ये इसका उद्देश्य। बिल्कुल, नीट के लिए जो है ओबीसी छात्रों को 27% का आरक्षण मोदी सरकार द्वारा दिया गया है, उसका ओबीसी महासंघ के कारण कैसे हैं परिचय बताने की गरज है। मैं डॉक्टर खुशाल भूपचे, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ का कार्याध्यक्ष और पॉलिटिकल कोऑर्डिनेटर।
आपने जो नीट की अभी बात की, तो मूलतः ये उन्होंने दिया इस, ये मैं नहीं मानता, क्योंकि इसके पहले भी जो 27% आरक्षण अपना था एजुकेशन और सर्विस में, तो उस माध्यम से ये सब मिल रहा था। जब से इस देश में सरकार बदली, ये 7 सालों में वो धीरे धीरे करते करते 2% पे नीट को ला लिया गया था। और जब ओबीसी को हाईलाइट करने का काम राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ ने पूरे देश में शुरू किया, और इसके कारण ये जो सरकार है ये थोड़ी घबराई, और इसलिए उन लोगों ने वापस फिर से उसको लागू किया। मतलब कोई नया नहीं दिया है, यानी ये समझ अगर ओबीसी की होगी कि हमको मोदी सरकार ने कुछ नया दे दिया, तो ऐसा नहीं है। जो था वो इन्होंने ही बंद किया था, और वो 2% से फिर अभी मतलब 27% पे शुरू किया है। दूसरा महत्व का विषय ऐसा है कि भी आज ये जो मतलब हम लोग ओबीसी जोड़ो ये जो कार्यक्रम लेते हैं, इसकी मंशा ही ये है कि भी जब तक के लोगों को, जैसे अभी तवाड़े साहब ने कहा कि ओबीसी को ही ओबीसी ये मैं कौन हूँ ये मालूम नहीं है, तो इस देश की ये जो मतलब ओबीसी की सारी जातियाँ हैं, तो ये सब जगह पहुँचकर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के माध्यम से ओबीसी यानी क्या, इस ओबीसी और ये ओबीसी समझने के लिए जब तक के संविधान हमको नहीं समझेगा, और संविधान समझने के लिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर नहीं समझेंगे, और तब तक के इस देश में मतलब जिस मतलब एक अपेक्षा के अनुरूप कार्य होना चाहिए वो नहीं हो सकता। हाँ, और हाँ, इसकी शुरुआत हम इस प्रकार से किए हैं, और ये पूरे महाराष्ट्र में और सारे देश में कर रहे हैं।